फोकस में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। देश की रक्षा चुनौतियों पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का बड़ा बयान, कहा हम किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम। वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल पर फैसला सरकार को लेना है, हम सीमा पर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तबाह कर सकते हैं। बीके धनोआ ने कहा दो मोर्चों पर युद्ध के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत 2032 में होगी पूरी। डोकलाम विवाद के वक्त चीन के 2 एयरबेस सक्रिय थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा आतंकी गुटों का समर्थन बंद करे पाकिस्तान। जेम्स मैटिस ने कहा पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन बंद नहीं करता तो कड़ा कदम उठाएंगे। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान नहीं माना तो उसका कूटनीतिक बहिष्कार भी किया जा सकता है। एनजीटी का जंतर मंतर रोड पर होने वाले प्रदर्शनों को रोकने का दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश, ध्वनि प्रदूषण का दिया हवाला। एनडीएमसी को भी एनजीटी का निर्देश, जंतर मंतर पर लगे सभी पंडाल और लाउडस्पीकर को हटाया जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गुजरात बीजेपी कमेटी ने चुनाव प्रचार के लिए दिया न्योता, 13-14 अक्टूबर को मोदी और अमित शाह के साथ चुनावी बिगुल फूकेंगे योगी। रेलवे में जल्द ही लाखों नौकरियों का खुलेगा पिटारा, रेल ट्रैक के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे जल्द जारी करेगा ग्लोबल टेंडर। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान पर योगी सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही माना, राष्ट्रगान से छूट मांगने वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान करना सभी नागरिकों का संवैधानिक कर्तव्य, जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव गलत। राष्ट्रगान के विरोध में याचिकाकर्ता का तर्क था जबरदस्ती राष्ट्रगान गाना देशभक्ति थोपने जैसा है। याचिकाकर्ता कोर्ट में साबित नहीं कर पाया कि राष्ट्रगान से कैसे धार्मिक आस्था प्रभावित होगी, छात्रों को आपत्ति है ये भी साबित नहीं कर सका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 15 अगस्त और 26 जनवरी को शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रगान गाया जाए, तिरंगा भी फहराया जाना जरूरी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साफ कराने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार, चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा सितंबर 2018 तक पूरी हो जाएगी नई मशीनों की आपूर्ति। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर राहुल का पीएम पर निशाना, कहा रोजगार और किसानों के मुद्दे पर ध्यान दे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संदिग्ध देखे गए, पूछताछ के लिए रोकने पर भागे, बैग से राज्य का नक्शा, रस्सी और चाकू बरामद हुए। बिहार के भागलपुर में शहीद बीके यादव को अंतिम विदाई, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अग्रोहा धाम में चल रहे मेले का आज दूसरा दिन, डॉक्टर सुभाष चंद्रा और सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल, अलग अलग पार्टियों के 40 सांसद भी पहुंचे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा अग्रोहा धाम में 25 करोड़ की लागत से म्यूजियम बनवाएंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बड़ा ऐलान, वैश्य समाज के लिए अलग बैंक खुलेगा, आरबीआई में अर्जी दे दी गई है, अच्छे कामों में लगाया जाएगा मुनाफा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा अग्रोहा धाम वैश्य समाज का है, ना कि सिर्फ अग्रवाल समाज का। योगी आदित्यनाथ ने की डॉक्टर सुभाष चंद्रा के डीएससी शो की तारीफ, कहा नौजवानों को दिशा देने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ ने कहा मीडिया का काम सिर्फ खबर देना नहीं है, समाज की सेवा भी मीडिया का काम है और जी मीडिया इस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। सीएम योगी ने कहा यूपी में निवेश करने के लिए आए, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में अपराधियों को चेतावनी दे दी गई है और उसका असर कानून व्यवस्था पर भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरिद्वार के उमिया धाम आश्रम का उद्घाटन किया, श्रद्धालुओं से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने की अपील की। केरल में बीजेपी की जन रक्षा यात्रा का तीसरा दिन, मुख्यमंत्री विजयन के गांव में बीजेपी की पदयात्रा, योगी की पदयात्रा पर केरल के सीएम विजयन का पलटवार, कहा योगी के पास केरल आने का वक्त है जबकि यूपी खुद कई दिक्कतों से जूझ रहा है। कन्याकुमारी से रैली फॉर रिवर्स लेकर निकले सदगुरु जग्गी वासुदेव से जी न्यूज की बातचीत, सूखती नदियों को बचाने का महामंत्र दिया। जग्गी वासुदेव ने बताया नदी नीति का ड्राफ्ट पीएम मोदी को सौंप दिया गया है, पीएम ने इस पर काम करने के आदेश भी दे दिए हैं। जी न्यूज पर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने राष्ट्रवाद पर रखी बेबाक राय, कहा जिस देश ने सब कुछ दिया उससे धोखाधड़ी करना गलत है। नदी नीति पर सदगुरु के साथ देखिए जी न्यूज एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की खास बातचीत आज शाम 7:55 पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव 2019 तक निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, मुलायम सिंह और शिवपाल नहीं पहुंचे। अमेठी दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जनता दरबार, गेस्ट हाउस के बाहर लोग जमा हुए। 2002 गुलबर्ग हिंसा मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया की याचिका को खारिज किया, एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर मुहर लगाई।
मामले की सुनवाई 3 जुलाई को पूरी हो गई थी। जाकिया ने पीएम मोदी और 58 और लोगों पर साजिश रचने का आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। रेलवे होटल टेंडर मामले में लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ जारी। बेटे तेजस्वी यादव से कल होगी पूछताछ। पूछताछ से पहले लालू यादव ने ट्वीट किया, कहा सच और गुलाब हमेशा कांटों में घिरे रहते हैं, साच को आज नहीं सत्यमेव जयते। लालू के ट्वीट पर जेडीयू का निशाना प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा सत्यमेव जयते उनके मुंह पर शोभा नहीं देता, गलत किया इसलिए सीबीआई ने बुलाया। मुंबई में अल्फिस्टन स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर एमएनएस का मार्च, मेट्रो सिनेमा से चर्च गेट तक जाएंगे राज ठाकरे। हनीप्रीत का नार्को टेस्ट करा सकती है हरियाणा पुलिस, जांच में सहयोग नहीं कर रही है हनीप्रीत। दिल्ली में राधे मां को थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बिठाने के मामले में कार्रवाई, विवेक विहार थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। झारखंड के गिरिडीह में एक किसान ने खुदकुशी की, बेटे ने बैंक मैनेजर पर परेशान करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में एक महिला समेत 4 माओवादी गिरफ्तार, 2 बंदूक और सैकड़ों बैनर जब्त। छत्तीसगढ़ के मलकानगिरी में बीएसएफ जवान ने खुद को गोली मारी, पारिवारिक परेशानी की वजह से खुदकुशी की। जयपुर में 31 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, कुलपति सचिवालय के बाहर नारेबाजी। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर सुभाष यादव के घर एसीबी का छापा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। राजस्थान के धौलपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। राजस्थान के करौली में टायर फटने से बस पलटी, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रांची के महात्मा गांधी रोड पर व्यापारियों का प्रदर्शन, बिना नोटिस के दुकानों के बाहर से होर्डिंग हटाने का विरोध। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 110 किलो गांजा पकड़ा गया, तस्करी करने वाला कार ड्राइवर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला पुलिस की पेट्रोलिंग, 70 स्कूटी मुहैया कराई गई, मनचलों के खिलाफ बिलासा शक्ति मुहिम। राजस्थान के अलवर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प, मारपीट में 2 लोग घायल। दिल्ली के दरियागंज थाने में सिपाही ने खुदकुशी की, अमित खोखर ने बैरक में ही खुद को गोली मारी। फरीदाबाद में मालकिन की पिटाई से परेशान नाबालिग नौकरानी ने 11वीं मंजिल से छलांग लगाई, 10वीं मंजिल की जालियों में जाकर अटकी। मेरठ में हथियार बेचने आए बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश घायल, दूसरा भागने में कामयाब रहा। यूपी के अलीगढ़ में महिला दारोगा की दबंगई, महिलाओं को थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल। यूपी के शामली में मेले में अश्लील डांस, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी चुपचाप देखते रहे। यूपी के सहारनपुर में लापता बच्चे का शव मिला, गांव वालों ने लगाया जाम, बच्चे के कई अंग गायब मिले। यूपी के फर्रुखाबाद में मानव तस्कर का खुलासा, पुलिस ने 2 लड़कियों को पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार। रांची में 5 लाख के जेवरात के साथ 3 चोर गिरफ्तार, आरोपियों में एक हिस्ट्री चीटर है, अरगोड़ा से हुई गिरफ्तारी। झारखंड के धनबाद में महिला की बेरहमी से हत्या, महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के कटनी में कामायनी एक्सप्रेस के S3 कोच के टॉयलेट से महिला का शव मिला, पुलिस ने शव कब्जे में लिया, जांच जारी। झारखंड के लोहरदगा में बस की चपेट में आने से महिला की मौत, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजस्थान के पाली में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दी, सुसाइड नोट में मर्जी से आत्महत्या करना बताया। हैदराबाद के साइबराबाद में 5 महीने के बच्चे को अगवा करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, बच्चे को बेचने की फिराक में थे। गुरुग्राम के मारुति सुजुकी प्लांट में तेंदुआ घुसा, प्लांट में काम बंद, तेंदुए की तलाश जारी। सिडनी के SP तरुण नायक की अनोखी पहल, महिलाओं से करवा चौथ पर पति को हेलमेट गिफ्ट करने की अपील की। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़, शरद पूर्णिमा के मौके पर गंगा में आस्था की डुबकी। इलाहाबाद के मदरसों में सफाई की पाठशाला, छात्रों को सफाई का महत्व समझाने के लिए चलाई जा रही है खास क्लास। बाजार की 4 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक, निफ्टी 9900 के नीचे बंद, सेंसेक्स 80 और निफ्टी 26 अंक लुढ़के, तेल गैस और बैंकिंग शेयर टूटे। 7 अक्टूबर से SBI चेयरमैन का पद संभालेंगे रजनीश कुमार, कहा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना और NPA कम करना होगी प्राथमिकता। ऑडी ने लॉन्च की A5 रेंज में 3 मॉडल्स को, एक्स शोरूम कीमत 54 लाख से शुरू, टॉप स्पीड 235 किलोमीटर प्रति घंटा। फीफा का हिंदी में ट्विटर अकाउंट लॉन्च, कल से शुरू हो रहा है U17 वर्ल्ड कप। फीफा U17 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा, मैच से पहले टीम इंडिया ने अभ्यास किया। मैराडोना के खिलाफ फुटबॉल मैच खेलेंगे सौरभ गांगुली, 9 अक्टूबर को मैच फॉर यूनिटी का आयोजन। का से लगने वाली मेक्सिको की सीमा पर दीवार का प्रोटोटाइप बनाना शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका वादा किया था। मेक्सिको में 19 सितंबर को आए भूकंप के बाद चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, जो अब खत्म हो गया है। 330 लोगों की इसमें मौत हुई थी और 11,000 घरों को नुकसान पहुंचा था। ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो को मिलेगा इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, मूल रूप से जापान के रहने वाले हैं इशिगुरो।